हम जीरा देवी में खड़े हैं और कल 3 दिसंबर को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की का जन्म दिवस है और जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है। कैमरामैन से चाहेंगे दिखाने के लिए कि ये राजेंद्र बाबू का पैतृक आवास है जहाँ की राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था और इस पैतृक आवास को जरूर भारत सरकार द्वारा पुरातत्व विभाग के देख रेख में यह चला गया है और इसकी जो भी रख रखाव है, इसका जो भी साफ सफाई है, वो पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो जीरा देई में डॉक्टर राजेंद्र बाबू का जन्मस्थली है, वहां जीरा देई में जो पूर्णतः विकास होना चाहिए, वो विकास कितना हुआ है यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं। जरूर हम यहाँ पर आ रहे थे तो देखे कि जो आज भी जीरा देई डॉक्टर राजेंद्र बाबू के पैतृक आवास पर पहुंचने वाली जो सड़क है, सिवान मैरवा मुख्य मार्ग जिसको बोला जाता है, अब राम जानकी मार्ग भी बोला जाएगा कुछ ही दिनों में, तो उस मार्ग से जैसे हम कटे तो रोड जो थी वो काफी पतली थी। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात भी हुआ, स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 दिसंबर के दिन ही यहाँ पर जिले से जो आला अधिकारी है जिले के, वो आते हैं, प्रतिनिधि आते हैं, हजार वादे करते हैं जीरा देई के विकास के लिए, लेकिन जैसे ही 3 दिसंबर समाप्त हो जाता है सब जीरा देई को भूल जाते हैं। ये सरकार जो है नीतीश सरकार, वो विगत वर्षों से जीरा देई महोत्सव मनाने का जरूर एक बार फैसला की है, लेकिन जीरा देई का कितना विकास हो पाया है यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण है उनके जुबान से सुनते हैं। तो हर साल होता है, हम यहीं के निवासी हैं और यहीं जीरा देई हाई स्कूल में हम नौकरी करते थे, वहीं से रिटायर किए हैं। मैंने आज हम 75 वर्षों से 75 से कम वहां नौकरी में थे, लेकिन 50 वर्षों की यादगारी में हम बता रहे हैं कि बहुत से आए लोग गए, लेकिन इधर हम 10 वर्षों से हम लोग एक रोड के चौड़ीकरण के लिए मांग करते हैं 4 किलोमीटर, हजारों हजार किलोमीटर का रोज पेपर में निकलता है, लेकिन आज 200 बरस से हम लोग यहाँ एक्सीडेंट हो जा रहा है कि जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति हुए थे तो इस गांव में एक रोड आया जो 5 फीट की 6 फीट का है चौड़ा, दोनों तरफ गढ़ा है 1-2 फीट का, अगर कोई गाड़ी इधर से उधर करती है वो लग जाती है, लेकिन उसको चौड़ाकरण नहीं किया जाएगा। आज तक यही लोग मांग कर रहे हैं और जयंती तो एक फॉर्मेलिटी करता है लोग, क्योंकि जिला से लोग आते हैं, मल्यार्पण करते हैं, आज से सर सफाई वीडियो सी वगैरह करा रहे हैं और कल फूल माला ले आएंगे लोग 3 दिसंबर को और जयंती मना लेंगे। उनके दरवाजे पर कुछ स्थानीय छिटभुआ नेता लोग कुछ मंच उंच बनवाते हैं, अपना कुछ MP MLA लोग आते हैं, वो लोग अपना कुछ 2-4 गो भाषण देंगे और सब लोग का आश्वासन हो रहा है आज 10-15 वर्षों से जो रोड पहला मुख्य कारण है, रोड हम लोग इस साल जरूर बन जाएगा, कहते कहते अब हो गया। अब रोज हम लोग पढ़ रहे हैं अखबार में कि रोड में हजारों हजार करोड़ों खर्च हो रहा है बिहार में, अभी आज भी पेपर में पढ़ रहे हैं, अब वीरा देख खोजते हैं यही 4 किलोमीटर का उसमें जिक्र है कि कहीं कुछ DPR बना है, कभी कहता है लोग एकदम एक नाले की भी व्यवस्था यहाँ नहीं की गई आज तक बढ़िया से, इस गांव के दोनों तरफ रोड जो उनके दरवाजे तक जाता है उसको दोनों तरफ बढ़िया से नाला बना दिया जाए, रोड को थोड़ा चौड़ीकरण कर दिया जाए, कुछ नहीं। माने क्या लगता है सरकार को या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को आखिर इतना काम करने में, और नेता लोग हैं राजेंद्र बाबू को बताइए कहाँ कहाँ स्टैचू बन गया, सरदार वल्लभ भाई का पटेल स्टैचू बन गया, और राजेंद्र बाबू क्या थे, वो देशभक्त नहीं थे, उतना बड़ा त्यागी बताइए जो आप इसी छोड़ करके स्वतंत्रता आंदोलन किए, राष्ट्रपति में तनख्वाह नहीं लेते थे, 3,000 रुपये तनख्वाह लेते जो उस समय 10,000 रुपया मिलता था, इतना त्याग करने वाला रहता है कि प्रशासन हो या सरकार के लोग हो, उनके जयंती के मौके पर जिया देवी उनके जन्मस्थली पर उनके मकान पे आते हैं और मल्यार्पण भी करते हैं और बड़े बड़े वादे करके जाते हैं कि इस साल विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं, कुछ नहीं होता है, इस पर क्या कहेंगे, इस पर हम क्या कहेंगे, आप तो बताए आपको कि विकास माने जयंती के बाद जो कहकर जाते हैं आज तक किसी ने पूरा नहीं किया, वादा करके और चले जाते हैं और को बस बस कुछ क्या मांग करेंगे आप जो सरकार में बैठे लोग या प्रशासन में बैठे। अरे सरकार से तो हम एक ही मांग ही कर रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम 4 किलोमीटर जो मुख्य रोड से और जीरा दे उनके दरवाजे तक जो रोड है उसका भी तो व्यवस्था बढ़िया से सरकारी ठोकर दे, और उसके अगल बगल गांव है जैसे गाँव में नाले बन जा रहे हैं उस तरह का व्यवस्था भी कम से कर दे कि साफ सुथरा ही गाँव रहे।
बाहर के लोग आने तो उनको आने जाने में जो असुविधा हो रही है, उनकी गाड़ियां पलट जा रही है, एक्सीडेंट हो जा रहा है नीचे ऊपर गाड़ी पर चढ़ने उतरने में। जब लोग आते हैं तो आप लोगों से बातचीत होती है तो वो लोग क्या कहते हैं जो अन्य प्रदेश से लोग? अरे अभी तो हम तो कह तो रहे हैं, हम 50 वर्षों से ही से रिटायर किए हुए हैं। खुद वो डीएम लोग जैसे कहते हैं कि आप जो मांग किए हैं ना वो इस साल लगने ही जा रहा है, बनने ही जा रहा है, अब बनते रह गया। जीरा देव महोत्सव पिछले बार आयोजित हुआ, इस पर क्या कहेंगे? महोत्सव से क्या फायदा, इस गांव में महोत्सव मनाया जाए, यहाँ आने के लिए सुविधा, ठहरने के लिए सुविधा। बताइए, एक हॉस्पिटल राजेंद्र बाबू के ऐसी आयुर्वेद का बहुत बड़े पालन करते थे, वही वो दवा खाते थे, उनको चलते यहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बना। देखिए गिरदे हाई स्कूल के बगल में हर एमपी एमएलए अपना फंड खर्चा करता है, क्या वहां नहीं कर सकता है? और सरकार के द्वारा भी योजनाएं बन रही है बहुत से भवन विभाग से कि एक हॉस्पिटल का जो अभी रूम है अब वहां से हॉस्पिटल को उठा करके गांव में ले जाया गया जहां कोई रोगी जा नहीं पा रहा है, इसलिए कि वह पीछे गांव में उनके घर के पीछे दवा वा बेचा जाता है, डॉक्टर बैठता है नहीं बैठता है, कुछ दिन तो डॉक्टर भी नहीं था, एक टीम वहां पर ले गया है अपने ही घर में खुलवा दिया रखता है और वही चलाता है। अब इधर सुनते हैं कि एक डॉक्टर आए हैं, लेकिन मकान को इसमें इतनी खर्च की जाए, लेकिन जिंदगी हाई स्कूल में और अलग अलग बिल्डिंग के पैसे आ जा रहे हैं, हम लोग नहीं बनाना चाहते हैं तभी बन जा रहा है, लेकिन हॉस्पिटल वहां बगल में नहीं बन। पिछले कुछ साल पहले देखा गया कि एक सांसद थे जो सिवान गए थे वो जिया भाई को गोद में लिए हुए, क्या वो विकास किए? अरे वो तो विकास का नाम पर कुछ नहीं किया। एक देखिएगा, इस रोडवा में जाइएगा जहाँ बता रहे हैं हॉस्पिटल, जाइएगा देखने के लिए, तो वहाँ पर एक तालाब में सीढ़ी बनवा करके 10 लाख रुपया का लिखवा दिया है, 10 लाख खर्च सीढ़ी बन गया है, बस 10 लाख रुपया उसमें खर्च कर दिया गया, 10 लाख में भवन बन जाता है। कितना आप लोगों में मायूसी है विकास नहीं होने से? मायूसी क्या, हम लोग करेंगे ही क्या, समझ रहे हैं ना, सरकार को ना करना है, हम लोग तो अब हार पच कर आप लोग से भेंट हो गई चूंकि हमारा यही घर है इसलिए यहाँ हम रहते हैं, अब भेंट हो गई आपसे तो हम कह भी दिए क्या गांव में का, सब लोग जानता है कि सरकार खाली आएगी माला पहनाएगी चली जाएगी उसके बाद से कुछ नहीं होगा ना कुछ काम किया गया है। अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम वीरेंद्र सिंह है, घर हमारा जीरा देवी है, यहीं पर हमारा घर है, अभी हम जहाँ खड़े हैं वो भी हमारे ही जमीन है, हमारे पूर्वज रामपीरित राय हमारे बाबा ने मौखिक रूप से अभी रजिस्ट्री भी नहीं किया गया है इस जमीन का। विकास तो हुआ है, अभी बहुत विकास बाकी है, विकास करना है और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि जीरा देवी पर विशेष ध्यान दिया जाए और यहाँ का जो अधूरा विकास है उसको पूर्ण किया जाए, और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी मांग करते हैं कि जो पर्यटन विभाग का जो कार्य चल रहा है 3 महीना से काम बंद कर आधा अधूरा छोड़कर संवेदक है चला गया है, क्या दिक्कत है, इसको पूर्ण कराया जाए। जो जनता को रोड की क्या स्थिति है जीरा देव? आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है आज के डेट में ही बंद है, किराया के मकान पर चल रहा है, ये दुख की बात है, जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, और नल जल योजना जो है रख रखाव के अभाव में जो है अधूरा पड़ा है, जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, दिक्कत तो है, समस्या है। इस पर स्थानीय है क्या मांग करेंगे? मैं जिला प्रशासन सरकार से मांग करते हैं कि जो भी इस पंचायत में इस गांव में राशि आता है उसको बढ़िया से उसको जमीन पर उतारा जाए, इसमें ज्यादा भ्रष्टाचार नहीं हो, विशेष यही कहेंगे। अच्छा बताइए, लालू प्रसाद जीरा देवी।